हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि टाटा का एक शेयर जिसके बारे में बात ही नहीं होती, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और आपको बताना चाहता हूँ इतना बेहतरीन शेयर है, इतने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। इसके फंडामेंटल्स हम चेक करेंगे आपको, इस अगर सीधे TCS से कंपेयर करूँगा जो कि डेट फ्री कंपनी और बहुत बेहतरीन रिटर्न देती है, TCS से उस टाटा के शेयर को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या एक्चुअली डिफरेंस है उसके रिटर्न्स में। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप एंजल ब्रो की आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इंडिया का नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, से भी रजिस्टर्ड है, ओके, बिलीवेबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, ओके, जीरो डिलीवरी चार्जेस आपसे लेता है और फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, फ्री में आपका डीमेट अकाउंट, बस फ्यू डिटेल्स आपको भरनी है और ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। ये जो रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है उस कंपनी के जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसका नाम भी बताऊँगा और उसके फंडामेंटल्स भी थोड़े बहुत, तो बैलेंस शीट हम चेक करेंगे। तो देखिए, वनडे का आज देखे तो आज लगभग 7% की आपको जंप देखी गई है। 1 वीक देखिए, 1 मंथ देखिए, 3 मंथ देखिए, 6 मंथ में लगभग 88% के रिटर्न्स। ईयर टिल डेट अगर जनवरी से बात की जाए 100% के रिटर्न्स। 10 साल की भी बात की जाए, 10 साल में इसने मतलब आपके पैसों को 10 गुना कर दिया, मतलब 1000% के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को सीधे मिलते हैं। और अगर इसके बाद में बात की जाए दूसरी कंपनी को देखिए, TCS, ये TCS के रिटर्न है। TCS ने देखिए यहाँ पर उस कंपनी के रिटर्न कितने थे, 100%, यहाँ पर कितने, 32, यहाँ पर थे 88, यहाँ पर देखिए 41%। और 10 साल में TCS ने कितने दिए, 400% के रिटर्न, और उसने कितने दिए, तो ये इसने दिया 1000% के रिटर्न, 1000+% के रिटर्न इसने दिए। तो एक छोटी सी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, और टाटा की ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोग चर्चा ही नहीं करते, जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, तो ये कंपनी की तरफ, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, आज का पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए 52 वीक लो देखेंगे ना, लगभग 500 रुपये के आसपास था 25 मार्च को, और अगर 52 वीक हाई देखे तो इसी महीने में 8 दिसंबर को 1725 रुपये, मतलब 1725 रुपये, अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे ना तो आपके पैसे 3 गुना यहाँ पर दिखा देते हैं, 175% का रिटर्न आपको दिखाई देता है। और अगर हम देखें डिलीवरी, तो देखिए 24% के लगभग की डिलीवरीज दिखाई गई है। और कंपनी इंफॉर्मेशन में आता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, लगभग 44-45% के जो शेयर्स है प्रमोटर्स के पास है, और हर साल कंपनी देखिए डिविडेंड देती नज़र आई है। 2017 में 16 रुपये का डिविडेंड, 2017 में ही देखिए बोनस भी लाई है 1:1 का, 2018 में 11, 13 रुपये से का 2019 में, और 16.5 रुपये का 2020 में, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स भी हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे जून में 6,887 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के सेप्टेम्बर में इस क्वार्टर में लगभग 78.87.91 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर। तो बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन रिजल्ट है, बट कोई भी इसके बारे में आपको बताता नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टर तो भर भर के आए हुए हैं। तो इस कंपनी का नाम जान लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। तो इसका काम क्या है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, सेम वही काम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है। 1 डे का चार्ट पैटर्न आपके सामने है। ओके, हर एक रिटर्न मैंने आपको दिखाई दी है, लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा था मार्च में, और गिर के 554 रुपये के आसपास आया, और देखिए फिर देख रिटर्न देखते हैं तो लगभग 200% के रिटर्न हमारे सामने यहाँ पर नज़र आते हैं। तो मतलब 200% के रिटर्न मिनिमम, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो इन कंपनियों के बारे में मोस्टली बात नहीं करते, दूसरी कंपनीज के बारे में बात करते हैं। बट छोटी कंपनी भी तो आपको रिटर्न देते हैं, छोटी कंपनी आपकी वेल्थ क्रिएट करने में आपको हेल्प करती है, क्योंकि छोटी कंपनी ही बड़ी बन के आपको मल्टी वैगर रिटर्न इसी तरीके TCS नहीं दे सकती। TCS ने देखिए इतने रिटर्न दिए ही नहीं है, बट TCS आपको वेल्थ लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, बट ये छोटी कंपनी भी आगे चल के बड़ी बन सकती है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके कुछ फंडामेंटल्स अगर हम चेक कर लें, जैसे कि मैंने आपको पहले तो बोनस ही दिखाया था कि बोनस 1:1 का 2017 में देख दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का, तो मार्केट कैप देखिए लगभग 9,662 करोड़ रुपये का, स्मॉल कैप कंपनी है ये। ओके, स्मॉल कैप इसका में आता है। टाटा एलेक्सी इज अ कंपनी प्रोवाइड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस टू द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विस फॉर इंटरप्राइज कस्टमर्स
इट ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। तो देखिए डिजिटल में भी ये काम अपनी काम करती है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसका काम है। करंट प्राइस की बात करें तो देखिए 1552 रुपये के लगभग, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। पी देखिए 31.6 का है, और अगर हम बात करें पी इसका टी सी एस आपके सामने है लगभग 33.4 का है। ओके आर ओ सी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि 30 से अगर 30 या 30 से ज़्यादा होता है तो कितना बेहतरीन होता है वो आपको मैं हर वीडियो में बताते ही हूँ। तो इसका 35% है, और इसके आर ओ सी की बात करें तो इसका 47% है। फेस वैल्यू इसका 10 ही है और टी सी एस का फेस वैल्यू 1 है। टी सी एस आपको बड़ी कंपनी है, बट यहाँ पर फिर भी देखें तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दिए। टाटा इलेक्सी टाटा से रिलेटेड कंपनी है, तो टी मीन्स टाटा, टी मीन्स ट्रक ट्रस्ट। अगर प्रोज की बात करें, देखिए डेट फ्री लगभग कंपनी है। आर ओ सी ही आर ओ ई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हमें हर साल हर तीन पिछले 3 साल से लगभग 31% के आर ओ सी ही देता है, और डिविडेंड भी लगभग 22.55% के डिविडेंड देती है। ओके तो इसकी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी पीयर्स कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बट ये कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे रही है। 7-8-9 महीने में आपको 200% के रिटर्न्स दिए मल्टीबैगर। सेल्स की बात की जाए तो देखिए सेल्स जहाँ 2017 में 346 के थे, सितंबर में यहाँ पर अभी देखिए लगभग 430 सीआर के सेल्स है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 63 करोड़ के नेट प्रॉफिट बढ़ के अभी 79 और 80 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयरली वाइज देखें तो अगर हम यहाँ पर सीधे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 58 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था 2009 में, जो अभी 10 साल में बढ़ते बढ़ते लगभग 305 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व्स देखिए 2009 में 120 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि 2020 में बढ़ के 1072 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स है। रिजर्व्स मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। बोरिंग की बात की जाए तो बीच में कंपनी डेट फ्री हो गई थी 2019 तक, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बोरो कर लिया है, बट इनके लिए मतलब टाटा की कंपनी है तो इनके लिए ये छोटा मोटा ही बोरिंग है, मतलब समुद्र में से एक लोटा पानी लेना इस तरीके से, मतलब 54 करोड़ रुपीस की बोरिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने अभी कर नहीं रखा, छोटी कंपनी है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 739 करोड़ रुपीस के कैश इनके पास रखा हुआ है। एसेट भी देखिए बढ़ के 247 से लगभग 1450 करोड़ रुपये हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखिए, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंटिन्यूसली सेम ही है, कितनी 44.53। और फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं, और लगभग 11.75% की हिस्सेदारी इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर रखते हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखिए एक्सिस सिक्योरिटी एडवांस फंड ने यहाँ पर अपना हिस्सेदारी ले रखी है, और DIS लगभग 4.62% की है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 39% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर भी देख ले तो फॉरेन इन्वेस्टर देखिए JP Morgan ने 1.34 ले रखी है, जो कि बहुत बड़ा नाम है। और सॉमर इमरजेंसी इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड्स LIC तो इन्होंने भी 1.27% की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है। तो देखिए ये कंपनी है, जो ये कंपनी हर पैरामीटर पे आपको खरी उतरती है, मल्टीबैगर रिटर्न्स दी है। टाटा की कंपनी है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, बट आप इसके बारे में बात भी कर सकते हैं, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। और अगर पोर्टफोलियो में रखने और बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और नीचे डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है, क्लिक करिए, अकाउंट ओपन कराइए और इन्वेस्ट शुरू करिए। और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका फिर स्वागत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।